फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दही लिया है और एक कटोरी सूजी लिया है जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 घंटे में अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गई है। अब इसमें लिया है मैंने आधा चम्मच नमक, आधी शिमला मिर्च, एक प्याज और इसमें मैंने 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा लिया है। इस सबको हम कर देते हैं मिक्स। अब फ्रेंड्स हमें लगाना है तड़का, इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और इसमें डाल देंगे हम करी पत्ता, राई और लाल मिर्च। और इस तड़के को अपने बैटर में छोड़ देंगे, इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह। अब फ्रेंड्स डालना है इसमें हमें ऑयल, सारे खानों में हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा और अब उसके बैटर को हम डालते जाएंगे इसमें। अब फ्रेंड्स इसको हम टर्न कर देते हैं एक वुडन स्टिक लेकर इस तरह से। आप फ्रेंड्स अब पेपन का गुद्दू तैयार है, उसे पीनट चटनी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं।